नमस्कार, इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। और आइए देखते हैं क्या है इस घंटे की हेडलाइंस। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त संसदीय समिति का गठन। 31 सदस्यीय संयुक्त समिति में 21 सदस्य लोकसभा और 10 राज्यसभा से। अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक रिपोर्ट सौंपेगी समिति। बजट सत्र का सत्रावसान। लोकसभा की उत्पादकता 136% और राज्यसभा की उत्पादकता 118% रही। राज्यसभा में 3 विधेयक पारित तो वहीं लोकसभा ने 15 बैठकें की जो 115 घंटे तक चली। चुनाव आयोग का जम्मू कश्मीर दौरा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा आयोग जल्द से जल्द चुनाव कराने को प्रतिबद्ध। जम्मू कश्मीर के लोग विघटनकारी ताकतों को देंगे करारा जवाब। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत का बड़ा कदम। भारत बांग्लादेश सीमा पर निगरानी के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने किया समिति का गठन। भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गठित की गई कमेटी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत। तकरीबन 18 महीने से जेल में थे सिसोदिया बंद। शराब नीति मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच का कर रहे हैं सामना। भाजपा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम ने सांसदों को SC/ST में क्रीमी लेयर नहीं लागू होने का दिया आश्वासन। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपनी DP में लगाया तिरंगा। सभी से अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलने और तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने का किया आह्वान। और पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाइयों का तांता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा से बात कर दी बधाई। आज अमन सहरावत से कुश्ती में कांस्य पदक की उम्मीद। वहीं विनेश फोगाट की सिल्वर मेडल देने की अपील पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में सुनवाई आज। तो सबसे पहले बात वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक की और इस पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति के गठन की बात करते हैं जिस पर फैसला लिया गया। समिति में 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा संसद सदस्य शामिल किए गए हैं। समिति को रिपोर्ट रखने के लिए अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक का समय दिया गया है। Notice of my intention to move the following motion during the current session of Lok Sabha that the Waqf Amendment Bill 2024 be referred to a joint committee of the houses consisting of following 21 members from this house. Serial number 1, Sri Jagdambika Pal. 2, Dr. Nishikant Dubey. 3, Sri Tejaswi Surya. 4, Srimati Aparjita Sarangi. 5, Sri Sanjay Jaiswal. 6, Sri Dilip Saikia. 7, Sri Abhijit Gangopadhyay. 8, Srimati D.K. Aruna. 9, Sri Gaurav Gogoi. 10, Sri Imran Masood. 11, Sri Mohammad Javed. 12, Sri Maulana Mohibullah. 13, Sri Kalyan Banerjee. 14, Sri A. Raja. 15, Sri Lavu Sri Krishna Devarayalu. 16, Sri Dileshwar Kamait. 17, Sri Arvind Sawant. 18, Sri Matre Balya Mama Suresh Gopinath.
19 श्री नरेश गणपत मास्के, 20 श्री अरुण भारती, 21 श्री असाउद्दीन ओवैसी एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा दैट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिटिंग ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑफ कोरम शेल बी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द जॉइंट कमिटी दैट द कमिटी शेल मेक अ रिपोर्ट टू दिस हाउस बाई द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट सेशन। मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर एक मुस्लिम डेलीगेशन ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। संसद भवन परिसर में हुई मुलाकात के बाद मुस्लिम डेलीगेशन ने बिल की तारीफ की। अमेंडमेंट बिल पेश करने के बाद काफी मुस्लिम समुदाय से मेरा मिलना हुआ और आज हमारे देश का, हिंदुस्तान का, ऑल इंडिया सूफी सजादा नसीम के जो हेड होते हैं काउंसिल के पूरे टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, जितने भी हैं प्रमुख लोग आज मुझे मिले और सबसे बातचीत करने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो प्रावधान है स्वागत किया। और आज 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र का सत्रावसान कर दिया गया। ये सत्र 22 जुलाई 2024 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में 15 बैठकें की गईं जो 115 घंटे तक चली। वित्त मंत्री द्वारा सदन में 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया था। इस सत्र के दौरान कार्य उत्पादकता 136% रही। सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनः स्थापित किए गए तथा 4 विधेयक पारित किए गए। महत्वपूर्ण विधेयक हैं वित्त विधेयक 2024, विनियोग विधेयक 2024, जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 और भारतीय वायुयान विधेयक 2024। वहीं लोकसभा में नियम 193 के तहत आगामी ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों पर एक अल्पावधि चर्चा भी हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इतने सालों के बाद बजट सत्र का एक भी दिन बर्बाद नहीं हुआ और सांसदों ने दोनों सदनों में बहुत अच्छे से हिस्सा लिया। प्रोडक्टिव रहा, बहुत लंबा सेशन नहीं था लेकिन बजट का प्रक्रिया भी कंप्लीट हो गई और उसके अतिरिक्त और भी बिजनेस इस बजट सेशन 2024 के दौरान दोनों सदनों में पास किए गए हैं। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स और सरकार के ओर से दोनों सदन के चेयरमैन साहब और स्पीकर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हाउस चलाने में बहुत मदद किया है। कोई भी बिल्स और बाकी जितना भी हाउस का बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने में एसजी से लेकर के नीचे लेवल तक का हर एक स्टाफ ने बहुत शानदार सहयोग दिया है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में हुई प्रभावी कार्यवाही के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया और अगले सत्र में भी इसी प्रकार से कार्य होने की उम्मीद जताई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का गाइडेंस और उनका लगातार हाउस में क्या चल रहा है वो पूरा हैंड्स ऑन पूरा इन्फॉर्मेशन रखते हैं और गाइडेंस जो देते रहते हैं, इसके वजह से सरकार का पक्ष और सरकार बिजनेस को पार्लियामेंट में रखने में हमको बहुत सुविधा मिला है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में जो आने वाला विंटर सेशन
पार्लियामेंट होगा, शीतकालीन संसद का सत्र जब होगा, तो यही भावना, इसी स्पिरिट, जिस स्पिरिट के साथ आज लोकसभा राज्यसभा का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन हुआ, फिर जब हम नए संसद बैठेंगे शीतकालीन के लिए, और इसी भावना के साथ हम फिर मिलेंगे। और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के बीच भारी नोकझोंक देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान एनडीए के साझेदार दलों के नेताओं ने इस घटना पर जया बच्चन से माफी की मांग की, तो सदन से विपक्ष वॉकआउट कर गया। बाहर आकर सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने मीडिया से बातचीत की और विपक्ष के नेताओं को सदन में नहीं बोलने दिए जाने का आरोप लगाया। इस विषय पर कैसा था राज्यसभा का नजारा, आंखों देखा हाल बताया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। इन दिनों राज्यसभा विपक्षी सांसदों और सभापति के बीच नोकझोंक का गवाह भी बन रहा है। शुक्रवार का दिन भारी गहमागहमी भरा रहा, जब प्रश्नकाल में सभापति जगदीप धनखड़ और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के बीच भारी नोकझोंक, या यूं कहें कि तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जो ही जगदीप धनखड़ ने जया अमिताभ बच्चन कहकर उन्हें पुकारा, वो फिर बिफर गईं और उन्होंने कहा कि आपका टोन बिल्कुल खराब है, और इसकी वजह से सभापति जगदीप धनखड़ ने बहुत नाराजगी जताई और कहा कि आप सेलिब्रिटी हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप आसन को डिक्टेट करें। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने ये आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं उनको बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है, और इसके बाद कहीं ना कहीं सदन का नज़ारा बिल्कुल बदल गया। जो नेता सदन राज्यसभा है जेपी नड्डा, उन्होंने भी जया बच्चन से माफीनामे की मांग की। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री ने माफीनामे की मांग की। रामनाथ ठाकुर, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा समेत अनेक जो भारतीय जनता पार्टी के साझेदार दल हैं एनडीए के, उन तमाम लोगों ने चेयर के साथ अपने को एसोसिएट किया। वहीं विपक्ष जो है वो बायकॉट कर गया और सदन के बाहर आकर सोनिया गांधी के नेतृत्व में तमाम जो विपक्षी सांसद थे उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए चेयर पर कई तरह के आरोप लगाए। गुरुवार को भी सभापति जगदीप धनखड़ सदन से नाराज होकर बाहर चले गए थे। कैमरामैन विक्की के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति और चुनाव को लेकर तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जमहूरियत को आगे बढ़ाने और चुनाव कराने का समय आ गया है, हम जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग विघटनकारी ताकतों को करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त तक मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। सबसे मुलाकात हुई थी, हमने सबका फीडबैक लिया था। उस समय के बाद लोकसभा के चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं, उसके तुरंत बाद अमरनाथ जी की यात्रा चल रही थी और अभी खत्म नहीं हुई है, उससे पहले ही हम लोग फिर से आपके पास वापिस हैं ये जानने के लिए कि अब जेएनके का चुनाव कब कराया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, जनरल इलेक्शन में पार्लियामेंट के अमन की जो दास्तां यहां आप सब लोगों ने मिलकर बयां की है, लंबी लंबी कतारें में जो जमहूरियत को आगे बढ़ाने के जो ख्वाब आपने देखे और हम सबको दिखाए हैं पूरी दुनिया को, उनको चुनावों के जरिए आपको अपनी चुनी हुई सरकार देकर अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 1 जुलाई 2024 तक जो नागरिक अपनी उम्र 18 साल पूरी कर चुके हैं अभी मतदाता बन सकते हैं, 20 अगस्त तक मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। भी असेंबली के जल्द से जल्द कराए जाएं। सभी पार्टीज का कहना था कि जेएनके में आवाम द्वारा चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों जिनका लोगों के साथ में बेटर कनेक्ट हो,
ताकि लोगों की जमहूरियत आगे बढ़ सके और लोग अपनी सरकार अपने हिसाब से चुन सकें। तो उनका सबका कहना था कि चुनाव जल्दी कराए जाएं। मोर और लेस सभी पार्टी का ये भी कहना था, एक आध को छोड़कर, कि लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश की जाए, ऐसा ना हो कि किसी को प्रदर्शन की या रैली की या कुछ और चीज़ों की परमिशन ना मिले, कुछ को ज़्यादा मिले, इस तरह का ना हो, सबको बराबरी की भागीदारी के साथ जब भी चुनाव हो लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश हो। एक और भी मांग सबकी थी कि कुछ सिक्योरिटी का लोगों के पॉलिटिकल फंक्शनरीज का रिव्यू हुआ था स्टेट में, उसमें कुछ लोगों की सिक्योरिटी डाउनग्रेड हुई, कुछ लोगों की सिक्योरिटी नहीं मिली, कुछ को ज़्यादा मिली, कुछ को कम मिली, तो उनका परसेप्शन ये था कि सबको बराबर मिलनी चाहिए। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की फांसी की सजा की मांग वाली एनआईए की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टल गई है। यासीन मलिक ने कहा कि वो वकील के जगह खुद अपने मामले की जरह करेंगे। 19 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। निचली अदालत ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एनआईए ने फांसी की सजा के मांग के साथ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। और बांग्लादेश में चल रहे हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समिति की अध्यक्षता सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान के ADG करेंगे। समिति के अन्य सदस्यों में महानिरीक्षक IG, BSF फ्रंटियर मुख्यालय दक्षिण बंगाल, महानिरीक्षक IG, BSF फ्रंटियर मुख्यालय त्रिपुरा सदस्य योजना और विकास, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण और सचिव LPAI शामिल हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के लिए हो रहे आंदोलनों में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रही हिंसा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसकी घोर निंदा की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। बयान में RSS ने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की लक्षित हत्या, लूटपाट, आगजनी, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध और मंदिर जैसे श्रद्धा स्थानों पर हो रहे हमलों को क्रूरता की संज्ञा देकर असहनीय बताया है। RSS ने बांग्लादेश की कार्यकारी सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। बयान में भारत सरकार से भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया गया है। और बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों द्वारा लगातार हो रहे हमले पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कांग्रेस और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गाजा के मुद्दे पर तो बहुत बोलती है, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे हत्या और उत्पीड़न पर चुप है। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में घटा उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहाँ पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहाँ पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी यात्रा के अंतिम चरण में तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। ये ऐतिहासिक यात्रा पहली बार है जब कोई भारतीय राष्ट्राध्यक्ष तिमोर लेस्ते की यात्रा करेगा।
अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अपने समकक्ष जोस रामोस होर्टा और प्रधानमंत्री के राला जनाना गुमाओ के साथ द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में भारतीय प्रवासियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए इंडोनेशिया और तिमोर लेस्ते में भारतीय राजदूत से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने विशेष बातचीत की। पहली बार भारत की राष्ट्रपति तिमोर लेस्ते आ रही है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडोनेशिया और तिमोर लेस्ते में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती जी। हम उनसे बात करते हैं। सर, फर्स्ट विजिट किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का कितना इम्पैक्ट देखते हैं आपको, आप इन दोनों देशों के रिलेशनशिप पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, आपने ठीक ही कहा कि ये पहला राष्ट्रपति या मैं तो कहूँगा हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट का विजिट है। इनफैक्ट कैबिनेट रैंक के भी कोई मिनिस्टर आज तक यहाँ आए नहीं है, तो एक तरीके से ये विजिट ही बहुत बड़ी आउटकम है इस संबंध का, भारत और टिमोरिस के बीच का संबंध है। राष्ट्रपति जी आ रही हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं कहूँगा, और बहुत बड़ा मैसेज भेजता है कि भारत टिमोरिस के साथ संबंध अपने सुदृढ़ करना चाहता है। किन क्षेत्रों में सर सहयोग की उम्मीद है भारत और तिमोर लेस्ते के बीच में, जो राष्ट्रपति के इस दौरे में शायद देखने को मिले? ये भारत जो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें तिमोर के लिए बहुत कुछ है, और कई बार इनकी लीडरशिप ने, इनके प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने और बाकी मंत्रियों ने हमसे कई बार अनुरोध किया है कि भारत उनको सहयोग करें, कृषि के क्षेत्र में सहयोग करें, डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में सहयोग करें, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन। तो मुझे लगता है कि इस बार जब राष्ट्रपति जी आएंगे इन मुद्दों पे बात होगी। सर, अगर हम बात करें तिमोर लेस्ते की, तो एक बड़ा ऑयल हब भी, इसे ऑयल ब्लॉक भी कहा जा सकता है, साथ में एग्रीकल्चर के फील्ड में भारत में जिस तरीके से हमने देखा ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, डेयरी के फील्ड में देखा, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन को लेकर के देखा, उसको लेकर के कितनी संभावना है भारत के लिए यहाँ पर? देखिए, दो चीज़ें इसमें ध्यान देने लायक है। एक तो क्या है कि ये छोटा देश है, इसमें इसकी आबादी 1.3 मिलियन है और 15,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, तो उस हिसाब से उस अनुपात में हमें स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़ को देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट में तब्दील किया, भारत क्वाड का भी मेंबर है, भारत आसियान का भी मेंबर है, ऐसे में प्रधानमंत्री की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसका क्या असर देखते हैं जब तिमोर लेस्ते भी आसियान का मेंबर बन जाएगा? नहीं, आपने ये बहुत अच्छी बात कही। इस साल हम भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का 10वीं सालगिरह मना रहे हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जी का यहाँ दौरा, ये तिमोर ईस्ट आसियान का सदस्य बनने वाला है, इनके राष्ट्रपति भारत गए थे, एक फोकस है ईस्ट पे, और आसियान के मेंबर बनने के बाद ना खाली बायलैटरली बट आसियान के अंदर से भी हम तिमोर ईस्ट की मदद कर सकते हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रपति का तिमोर लेस्ते दौरा कई मायनों में अहम है, इससे न सिर्फ दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे बल्कि तिमोर लेस्ते को भी फायदा होगा और भारत को भी, एक सामरिक दृष्टि से ये भारत के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, तिमोर लेस्ते। और पेरिस ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में और दो ओलंपिक पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा ने कहा कि श्रीजेश ध्वजवाहक बनने के लिए भावनात्मक और लोकप्रिय पसंद थे। श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक के साथ ही हॉकी को अलविदा कह दिया। भारतीय हॉकी को उन्होंने दो दशक से ज़्यादा समय तक अपनी सेवाएं दी। मनु भाकर को पहले ही ध्वजवाहक चुना जा चुका था। मनु ने पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। पेरिस ओलंपिक में इस बार लैंगिक समानता पर जोर दिया गया है और हर देश को एक पुरुष और एक महिला ध्वजवाहक का चयन करना है। तो इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और दीपाली और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।